तो जब ऐसा चैलेंज आता है और भूषण जी ने मुझे कहा कि ये गाना रिक्रिएट करो, इनिशियली मैं थोड़ा हेजिटेंट था, पर अरमान ने मेरे लिए, मैंने जब रफ ट्रैक किया था, एक स्क्रैच गा दिया था, इसकी आवाज़ सुन के मुझे आई थिंक बिलीव हो गया था कि ये गाना विल साउंड ग्रेट एंड ही इज डन अ ग्रेट जॉब. सो जब ये थैंक्स बोलता है, आई फील ग्रेट दैट आवर टीम इज स्टिल डूइंग वेल इन एवरी सॉन्ग. I think the credit goes to my family, क्योंकि उनसे अगर support नहीं मिलता, I don't think I would have come wherever I am. And the blessings of my dada and the support of Mr. Salman Khan is where I am today. It's all because of him. एक story see करने के बाद, जो भी दिन का response वो तो इंडियन music director goes up because the response is really good. या इट ऑलवेज आई थिंक मेरे साथ हर गाने के साथ इस साल ऐसा हुआ है, मैंने एक गाना किया उसके बाद दूसरे गाने से और उम्मीद हो जाती है. एंड हेट स्टोरी के बाद मेरी एक नई फिल्म आ रही है एयरलिफ्ट, तो उससे एक्सपेक्टेशंस काफ़ी है. आई एम जस्ट ट्राइंग माई बेस्ट, मैं गाना अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ, बाकी इट्स योर एंड द ऑडियंस हू मेक्स इट अ हिट, सो आई जस्ट गेट माई बेस्ट. ऑन व्हाट आई थिंक द मेन थिंग इज टू कीप ऑन डूइंग वर्क एंड ग्रेट वर्क, एंड इफ यू फील हैप्पी डूइंग अ वर्क एंड यू फील कि यू नो अगर आपको खुद लगे हिट है, सो आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट दैट यू फील इट फर्स्ट एंड देन गिव इट आउट टू द पब्लिक, बिकॉज़ इफ यू फील इट्स हिट द पब्लिक विल लव इट फॉर श्योर. तो लाइक में चाहिए गुनगुना